ब्रिटेन की मशहूर और दिवंगत राजकुमारी डायना का इंटरव्यू हासिल करने के लिए बीबीसी ने धोखा किया था, और अब 26 सालों के बाद बीबीसी ने अपने किए के लिए ना सिर्फ माफ़ी मांगी है, बल्कि बीबीसी ने राजकुमारी डायना के निजी सचिव को हर्जाना भरने का भी दावा किया है। इस इंटरव्यू को लेकर बीबीसी ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने प्रिंसेस डायना के इंटरव्यू के लिए माफ़ी मांगी है और राजकुमारी डायना के निजी सचिव को पर्याप्त राशि का भुगतान किया है। बीबीसी ने कहा कि राजकुमारी डायना का विस्फोटक इंटरव्यू हासिल करने के लिए छल किया गया था। बता दें कि बीबीसी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि बीबीसी ने स्वीकार किया है कि बीबीसी पत्रकार मार्टिन बशीर ने साल 1995 में छल के द्वारा प्रिंसेस डायना का इंटरव्यू हासिल किया था, और इस छल की वजह से प्रिंसेस डायना के निजी सचिव पैट्रिक जेफ्सन को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा था। बीबीसी ने अपने एक बयान में कहा, बीबीसी ने कमांडर जेफ्सन से उन्हें हुए नुकसान के लिए बिना शर्त माफ़ी मांग ली है और कानूनी प्रक्रिया के दौरान आए खर्च का भुगतान किया है। बयान में कहा गया है, बीबीसी ने कमांडर जेफ्सन को हर्जाने के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान भी किया है। ज्ञात हो कि यह मामला आज से करीब 26 साल पहले का है, जो बीते साल एक बार फिर से चर्चा में आया था जब डायना के बेटे राजकुमार हैरी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस मामले का जिक्र किया था। बता दें कि 26 साल पहले लिए गए इस इंटरव्यू ने राजकुमारी डायना की ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। उस समय इस इंटरव्यू को ब्रिटेन में 2,30,00,000 लोगों ने देखा था, जिसमें राजकुमारी डायना ने अपनी शादी और प्रिंस चार्ल्स के साथ अपने संबंधों के टूटने पर चर्चा की थी। कौन थी प्रिंसेस डायना? प्रिंसेस डायना ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे प्रिंस चार्ल्स की पहली पत्नी थी। डायना को प्रिंसेस ऑफ वेल्स की उपाधि दी गई थी। उनका जन्म ब्रिटेन में एक शाही परिवार में हुआ था। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में हुई थी। उनकी शादी 29 जुलाई 1981 को प्रिंस चार्ल्स के साथ हुई थी। इस शादी को उस समय टीवी पर लाइव भी दिखाया गया था। प्रिंसेस डायना की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी उथल पुथल भरी थी, और प्रिंस चार्ल्स और कैमिला के संबंधों की वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। अपनी मौत से एक साल पहले साल 1996 में उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से तलाक ले लिया था।